हे गाइस, दिस इज अभिषेक और इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप किस तरीके से अपने Asus Zenfone Max Pro M1 में गूगल पिक्सल का जो नेव बार होता है, जैसे कि आप देख सकते हो नेविगेशन बार में ये जो बटन्स हैं, ये जो बटन का लुक है, आप ये ला सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो हमारी जो बटन वाली कीज़ है वो एकदम सिंपल नॉर्मल लुक में थी, और मैंने जो अंदर की तरफ आपको आइकन्स दिख रहे होंगे ये ऐड किए हैं। तो ये मैंने कैसे किया है, सबसे पहले एक आपको ऐप डाउनलोड करनी होगी इसके लिए, जो कि है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन के में आपको मैं उसका लिंक दे रहा हूँ, जो कि है पिक्सल नेव बार। तो वहाँ से आप डायरेक्टली इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली एक्टिवेट करना है इस पिक्सल नेव बार को, और उसके बाद आपको कुछ सेटिंग्स करनी है, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपने बटन्स को सिलेक्ट करना है, जैसे कि अभी होम बटन यहाँ पर सिलेक्ट हुआ है, और यहाँ पर जो उसकी पोजीशन है, मैं यहाँ पर कीज़ के थ्रू, यहाँ पर जो एरो कीज़ है उसके थ्रू आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, उसको सेंटर में ला सकते हैं, जो कि वाइट कलर का जो यहाँ पर आइकन है। तो इस तरीके से आप उसको आगे पीछे ऊपर नीचे सेट कर सकते हैं बिल्कुल सेंटर में। तो इस तरीके से आप इसकी पोजीशन को यहाँ से एडजस्ट कर पाएंगे अपनी कीज़ को सिलेक्ट करने के बाद। और यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने होम की पे क्लिक किया, उसके बाद ऊपर नीचे लेफ्ट राइट आप सारे तरफ यहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद सेम सेटिंग आप मल्टीटास्किंग विंडो के लिए जो बटन है उसके लिए भी आप कर सकते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पे। तो इस तरीके से आप सारा इसको सेंटर में कर सकते हैं, जो अपना वाइट आइकन है इसमें जो हमारे बटन्स के बीच में आते हैं, और यहाँ से जो इसका जो कलर है वो भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ ऑरेंज किया होम पे, यहाँ पर मैं कुछ और कर देता हूँ। तो यहाँ पर ये आप कलर देख सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट आइकन के लिए डिफरेंट डिफरेंट कलर को सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको बैक की के लिए मैं आपको कलर सिलेक्ट करके दिखाता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर ग्रीन कलर यहाँ पर सिलेक्ट किया है, तो तीनों ही जो कीज़ हैं उनका कलर यहाँ पर डिफरेंट हो गया है। तो यहाँ पर आपको नेव बार के कुछ डिज़ाइंस भी मिलते हैं, वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जो एनिमेशंस वगैरह है नेव बार के लिए, यहाँ पर ही जो नेव बार डिज़ाइन है इनको भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, अलग अलग डिफरेंट डिज़ाइंस आपको मिलते हैं। बट यार ये एक पेड है, तो अगर आप ये यूज़ करना चाहते हो तो आपको इस ऐप को परचेज़ करना पड़ेगा इन डिज़ाइंस के लिए, बाकी ऐप ये पूरी फ्री है। तो गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो यार प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर से लाइक कर देना, एम करते हैं यार 500 लाइक्स का इस वीडियो पर। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।